आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लाइफ में, बट एजुकेशन जो आप ले रहे हो वो बहुत कुछ करने के लिए नहीं ले रहे हो। हम लोग बैठे हुए हैं चार साल से, क्या कर रहे हैं, बीएड करके, बीए किए, पीजी किए, सब करके बैठल है, कर्जा कौन उतारेगा। इट इज ऑल यूजलेस। पूरी की पूरी बुक आपने याद कर ली, पता नहीं क्या क्या कर लिया, किस काम का है, किसी काम का नहीं, बस पढ़ाई लिखाई करते रहो दिन भर, अपनी पूरी जिंदगी यही रगड़ते रगड़ते लगा दी। और ये जो प्रेशर पड़ता है ना, इससे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमारा जमीन है घरारियो आप बिक जाएगा, मतलब इतना घटिया स्थिति। एजुकेशन किस काम की है अगर पैसा नहीं मिला। एजुकेशन ये उस इंडस्ट्री का नाम है जिसका इंडिया में मार्केट साइज 117 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि 2025 तक बढ़कर 225 बिलियन डॉलर तक हो सकता है, जिसका मतलब होता है 18 लाख करोड़ से भी ज्यादा। एजुकेशन को हासिल करने के लिए लोग अपने लाखों रुपए स्कूल में, कॉलेजेस में और कोचिंग्स में खर्च कर देते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तरह तरह के एजुकेशन लोन लेते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोग अपना जमीन तक बेच देते हैं, पर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाते हैं इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर खूब पैसा कमाएगा और घर की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। बट लाखों रुपए खर्च करने के बाद रिजल्ट क्या मिलता है? चार साल से पढ़ के ललाट पूरा चानी उड़ गया है, मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंकार बाल था, आज देखिए, मतलब क्या बोले, हमारे उम्र के लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। कितना उम्र है? मेरा 34 साल है सर, मतलब इतना घटिया स्थिति। आज हमारे देश में 82.9% अनएम्प्लॉयड पीपल यूथ है, जिसमें से 65.7% एजुकेटेड यूथ है और 42% से ज्यादा इंडियन ग्रेजुएट्स जिनका एज 25 ईयर्स से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे देश में जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना ही ज्यादा है, जो जितना कम पढ़ा है उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना ही कम है। ये मैं नहीं कह रहा, ILO का ये रिपोर्ट देख लो, जिसने सेकेंडरी और हायर लेवल तक पढ़ाई की है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% है, जो कि 6 गुना ज्यादा है उनके तुलना में जिन्हें पढ़ना और लिखना तक नहीं आता, और उससे भी ज्यादा जिसने पढ़ाई की है जो ग्रेजुएट्स है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% है, जो कि 9 गुना ज्यादा है इसके तुलना में, अगेन जिन्हें पढ़ना और लिखना तक नहीं आता इनमें ये रेट ओनली 3.4% है। हमारे देश में 48% इंजीनियर्स और 1.2 लाख डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जिस इंजीनियरिंग और मेडिकल का कोर्स करने में लोग न जाने कितने लाख रुपए खर्च कर देते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, इसके बावजूद ये बेरोजगार है। और दूसरी तरफ कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग तक नहीं करी, वो आज करोड़ों कमाते हैं। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद आपके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा, इज एजुकेशन ए स्कैम इन इंडिया? क्या हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए? बस कुछ देर रुक जाओ, इस सवाल का जवाब पूरी तरह से समझ आ जाएगा। मिडिल क्लास को बहुत ही अच्छे से पता होता है कि अगर इस गरीबी से निकलना है तो एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन। और ये जो हमारा ज्ञान का मंदिर है आजकल उन हाथों में चला गया जिन हाथों में पहले इंडस्ट्रीज होती थी, राजनीति होती थी। बच्चे दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, जो भी उनका फ्री टाइम है, उनकी हॉबीज हैं, खेलना कूदना है, वो सब भूल जाते हैं। In the school system, they don't want us to learn about money because they just want to pump out good employees that do what they're told. You don't need college to learn stuff, okay? It is not a question of learning. So I think colleges are basically for fun, but they're not for learning. अब जरा इमेजिन करो एक सेकंड के लिए कि क्या अगर आप वो चूहे हो जो उस व्हील पर भाग रहे होते एंड वर्स आपको पता भी नहीं। एजुकेशन किस काम की है? बल आपको हाथ में डिग्री तो मिल गई, अब डिग्री का करोगे क्या अगर पैसा नहीं मिला? सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि एजुकेशन होता क्या है। क्या एजुकेशन वही होता है जो एजुकेशन के नाम पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिया जाता है? क्या एजुकेशन वही होता है जो आप या मैक्सिमम लोग सोचते हैं और जिसके लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, या एजुकेशन कुछ और ही है? देखिए, ट्रू एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज देना या गेन करना। कौन सा नॉलेज? दो तरह की नॉलेज, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल यानी जो नॉलेज गेन किया है उसको यूज कैसे करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, इसे सीखना और सिखाना। बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन का मतलब बना दिया गया है सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज तक ही लिमिटेड रहना। जो बुक में लिखा गया है
सिर्फ उसे मेमोराइज करना जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम है ही नहीं। सेकंड, रियल एजुकेशन का मतलब होता है हाउ टू थिंक, सोचते कैसे हैं, इसको जानना। बट इन आवर एजुकेशन सिस्टम इसका मतलब बना दिया गया है व्हाट टू थिंक, सोचना क्या है, वही सोचना है जो बुक में लिखा गया है, इसके बाहर आने ही नहीं दिया जाता। जबकि रियल एजुकेशन आपको सिखाता है कि सोचते कैसे हैं। ये अगर आप सीख गए तो आप सही और गलत में फर्क समझ सकते हैं। रियल एजुकेशन हमें क्वेश्चन करना सिखाता है कि राइट क्वेश्चन कैसे करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो सिंपल सी चीज है, बस क्वेश्चन ही तो करना है। बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स इन आवर लाइफ, जिससे हमें कोई भी डिसीजन लेने में आसानी होती है। पर हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन तक नहीं करने दिया जाता। कोई भी छोटा सा बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखकर अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करता है, जैसे ये स्काई ब्लू क्यों है, ये ग्रास हरा क्यों है, एंड मेनी मोर। पर जब वो स्कूल जाता है और अपने सिलेबस से बाहर से कोई चीज पूछता है तो उसे डांट पड़ती है, उसे सिलेबस पर ध्यान देने को कहा जाता है ताकि अच्छे मार्क्स आ सके। एक्सेप्शन हर जगह है, कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं जो काफी खुशी से क्वेश्चन का वेलकम करते हैं, पर ज्यादा केसेस में बच्चे क्वेश्चन करने लायक ही नहीं बचते हैं और ऐसे करके स्टूडेंट्स के क्वेश्चन करने की एबिलिटी को मार दिया जाता है। फोर्थ, व्हाट इज द एक्चुअल पर्पज ऑफ एजुकेशन। रियल एजुकेशन का एक्चुअल पर्पज होता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, आप एजुकेशन हासिल करके इतना काबिल हो जाए कि आप प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व कर सके, आपके अंदर इतना क्रिएटिविटी आ जाए कि आप नई नई चीजों को क्रिएट कर सके और आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो पूरी तरह से डेवलप हो सके, जिससे आप अपने क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम्स को सोल्व करके, नई नई चीजों को क्रिएट करके अपनी लाइफ में बड़ा से बड़ा कुछ कर सको और फाइनेंशियली फ्री हो सको। पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन का एक ही पर्पज होता है कि पढ़ लिख करके जॉब करना है, यानी खूब मेहनत करके मार्क्स लाओ और कई सारी डिग्रियां हासिल करो और वेट करो कि कोई कंपनी आए और हमें उठा ले जाए। इस सिस्टम में एजुकेशन का मेन गोल ही बना दिया गया है कि आप पढ़ा लिखा गुलाम बन सको। फिफ्थ पॉइंट, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर दो पर्सन है, पर्सन वन एंड पर्सन टू, इन दोनों में से कौन ज्यादा एजुकेटेड है, तो आपका क्या आंसर होगा? अगर पर्सन वन के पास कोई डिग्री नहीं है, कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन इन्होंने अपनी एजुकेशन खुद से हासिल की है इंटरनेट की मदद से, इनके पास क्रिएटिव माइंड है, प्रॉब्लम सोल्व करने की स्किल है, क्रिटिकल सोच पाते हैं ये, और इन सब की वजह से अपने पैशन को फॉलो करते हुए इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, जो इनका सपना था सब पूरा किया है इन्होंने और एकदम मस्त लाइफ जी रहे हैं। और दूसरी तरफ पर्सन टू के पास बहुत सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, खूब मेहनत करके रट्टा मार मार के अच्छे मार्क्स के साथ इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, अच्छे सीपीआई के साथ ग्रेजुएशन भी किया और इसके अलावा भी कई सारी डिग्रियां हैं इनके पास, लेकिन इतने हाई क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद इनकी जॉब नहीं लग रही क्योंकि इनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है जो कंपनी को चाहिए। अब आप मुझे बताओ दोनों में कौन है एजुकेटेड, पर्सन वन या पर्सन टू? प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑब्वियसली पर्सन वन है हाईली एजुकेटेड, बट थ्योरेटिकली देखा जाए तो इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। और दूसरी तरफ पर्सन टू कागजी तौर पर तो बहुत एजुकेटेड पर्सन है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये एक हाईली अनएजुकेटेड पर्सन है। लेकिन इसमें भी इनकी कोई गलती नहीं है, गलती इस सिस्टम की है जिसने इन्हें ऐसा पढ़ा लिखा अनएजुकेटेड पर्सन बनाया। इसी तरह ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो रियल एजुकेशन है ही नहीं जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, जिस एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स स्कूल्स को, कोचिंग्स को, कॉलेजेस को फीस देते हैं, वो रियल एजुकेशन दिया ही नहीं जाता है सिर्फ और सिर्फ इस करंट एजुकेशन सिस्टम की वजह से। इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्लास करना नहीं चाहते, टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते, स्टूडेंट्स बंक मारने में लगे रहते हैं और हाईएस्ट मार्क्स लाने की रेस में लगे रहते हैं, और दूसरी तरफ टीचर्स टाइम पर सिलेबस खत्म कराने की रेस में लगे रहते हैं, असाइनमेंट भी ऐसा मिलता है जो सब एक दूसरे से कॉपी करके बनाते हैं। बताओ जरा क्या फायदा ऐसे एजुकेशन का? तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा सिस्टम ही क्यों बनाया गया जिससे लोग अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाते और गुलाम बनने की रेस में लग जाते हैं। पहले तो इंडिया में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम होता था जिससे स्टूडेंट्स एजुकेशन हासिल करके काफी क्रिएटिव बनते थे, क्वेश्चंस करना सिखाया जाता था, सोचने की एबिलिटी डेवलप होती थी। तो आखिर इतने अच्छे सिस्टम से इतना बेकार सिस्टम कैसे लागू हुआ इंडिया में?
ये बात है लेट 18th सेंचुरी की। प्रशिया पोलैंड पर अटैक करता है और जीत जाता है। प्रशिया पहले एक टेरिटरी था जहाँ पर अभी जर्मनी है, तो पोलैंड पर प्रशिया का कब्जा हो जाता है। बट प्रशियंस को एक नई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। भले ही प्रशिया ने पोलैंड पर कब्जा तो कर लिया था, पर पोलैंड के लोग यानी पोलिश पीपल अपने नए जर्मन रूलर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो थे तो दुश्मन ही। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए ताकि पूरा पॉपुलेशन अपने पोलिश पहचान को त्याग दे और जर्मन नेशनलिज्म को एक्सेप्ट कर ले। प्रशियन को तो ये मालूम था कि यहाँ के जो एडल्ट्स हैं वो किसी भी हाल में मानेंगे नहीं, क्योंकि उनमें सोचने की एबिलिटी है, समझने की एबिलिटी है। वो प्राउड पोलिश लोग थे, उनका माइंड चेंज करना तो पॉसिबल ही नहीं था, तो उनको कन्वर्ट करने का कोई चांस ही नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी बुरी नजर पोलैंड के बच्चों पर डाली। बच्चों का माइंड तो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, और वो अगर बच्चों का माइंड चेंज कर देते हैं तो केवल एक जनरेशन का टाइम लगेगा, वो पूरी तरह से पोलिश कल्चर को मिटा सकते हैं। इसलिए प्रशिया ने बहुत दिमाग लगाने के बाद क्रिएट किया 8-year एजुकेशन सिस्टम, जिसमें 8 साल तक बच्चों को पढ़ना लिखना और ऑर्डर्स को फॉलो करना सिखाया जाता है। हर एक पोलिश और प्रशियन चाइल्ड को 8 सालों तक स्कूल जाना पड़ता था, और इस 8 साल तक डेली इन बच्चों को प्रशियाई देशभक्ति के लिए मजबूर किया जाता था। और सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करने वाला, अपना दिमाग चलाकर क्वेश्चन नहीं करने वाला, चुपचाप जो कहे वैसे करने वाला बनाया जाता था। ऐसे जाकर क्रिएट हुआ द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम, और इसे बनाने के पीछे जो मकसद था उनका, वो काफी सक्सेसफुल रहा। कुछ आर्टिकल्स ये भी बताते हैं कि प्रशिया ने ये एजुकेशन सिस्टम इसलिए क्रिएट किया क्योंकि वो नेपोलियन की आर्मी से एक वॉर में हार गई थी। हार का रीजन था कि प्रशिया की आर्मी अपने लीडर की बात ना मानकर अपना दिमाग यूज कर रहे थे, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया ताकि बच्चे बड़े होकर एक ओबीडियंट सोल्जर बन सके। खैर, मकसद तो एक ही था कि उन बच्चों को ऐसा बनाया जाए ताकि वो आगे चलकर अपना दिमाग ना चलाएं, उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सके। एक प्रशियन फिलोसोफर ने ही इस एजुकेशन मॉडल को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप खुद सुनिए। एजुकेशन शुड बी एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग फ्री विल सो दैट आफ्टर पीपल्स आर थस स्कूल्ड दे विल बी इनकेपेबल थ्रूआउट द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स ऑफ थिंकिंग और एक्टिंग अदरवाइज देन एज देयर स्कूल मास्टर्स वुड हैव विश्ड। When the technique has been perfected, every government that has been in charge of education for more than one generation will be able to control its subjects securely without the need of armies or policemen. ये प्रशियन एजुकेशन सिस्टम इतना सक्सेसफुल हो गया कि अलग अलग कंट्रीज इसी के बेस पर अपना एजुकेशन सिस्टम बनाने लगे। ये टाइम था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। इस एजुकेशन सिस्टम की खबर बड़े बड़े बिलियनर तक पहुंचती है, जिनके पास ऑटोमोबाइल, ऑयल और भी कई तरह तरह की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी। इन बिलियनर्स को इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम की पावर का पता चलता है। इन सबको इस सिस्टम में अपना फायदा दिखाई देने लगता है, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली थी। कौन सी प्रॉब्लम? वर्कर्स की प्रॉब्लम। उनकी फैक्ट्रीज तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसे चलाने के लिए एजुकेटेड वर्कर्स की बहुत कमी थी। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होने वाली थी? जॉन डी रॉकेफेलर, जो एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनकी ऑयल की फैक्ट्री थी, ये अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को काफी फंड करने लगते हैं। उन्होंने इसलिए फंड किया ताकि वो स्कूलिंग सिस्टम को अपने हिसाब से डिजाइन कर सके। 19th सेंचुरी के एंड तक अमेरिका में भी पूरी तरह से प्रशियन एजुकेशन सिस्टम लागू हो गया था, फिर भी एक प्रॉब्लम थी। वहाँ से पढ़कर जो बच्चे निकलते थे वो ओबीडियंट तो होते थे, लेकिन कुछ सीख कर नहीं निकलते थे कि इनकी फैक्ट्री को सही से चला सके। रॉकेफेलर इतना फंडिंग क्यों करने लगे इस एजुकेशन सिस्टम में? उसके फंड करने के पीछे का मकसद क्या था? आप खुद उनके शब्द सुनिए। I don't want a nation of thinkers. I want a nation of workers. रॉकेफेलर चाहता था कि बच्चों को सिर्फ इतना एजुकेशन दिया जाए ताकि वो फैक्ट्रीज के काम को कर सके, उन्हें इतना एजुकेशन नहीं दिया जाए कि वो अपने बारे में सोचने लगे और आगे चलकर उनके ही कॉम्पिटिटर बने। उन्हें सिर्फ इतना एजुकेशन दिया जाए कि वो एक माइंडलेस, थॉटलेस, ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सके, और वो अपने इस प्लान में पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं, और इस तरह से वर्कर्स की कमी वाला प्रॉब्लम दूर हो जाता है। लेकिन ये इस एजुकेशन सिस्टम का इंडियन एजुकेशन सिस्टम से क्या कनेक्शन? एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूरी तरह से हमारे देश पर कब्जा कर चुका था, और उस समय ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था। थॉमस बेबिंगटन मकाउले, ये वही शैतान है जिसने पूरे देश को किया परेशान। ये 1834 में भारत आता है
और यहाँ पर वो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को देखता है जो फंडिंग के द्वारा चलती थी। उसने देखा कि यहाँ से पढ़ाई करके लोग काफी क्रिएटिव बन रहे हैं। उसने देखा कि यहाँ पे कोई भी इलिटरेट पीपल नहीं है जिन्हें कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। अंग्रेजों ने इंडिया पर कब्जा तो कर लिया था पर इंडियन से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती थी और इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी मुश्किल था। तो मकाउले ने यहाँ पर अपने वेस्टर्न कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। धीरे धीरे गुरुकुल की फंडिंग पर रोक लगवाना शुरू कर दिया। इंग्लिश एजुकेशन को ऐसे प्रमोट करना शुरू कर दिया कि अगर आप इंग्लिश बोल पाते हो तो आप एजुकेटेड हो, आपकी ज्यादा वैल्यू है, और अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जो कि आज भी यही हाल है। तो ये साल 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू कर देता है, जिसका मकसद क्या था, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार करना जो रंग रूप से तो इंडियन हो पर सोच विचार में अंग्रेज हो। और ये सिस्टम लगभग वही पर्सियन एजुकेशन सिस्टम की तरह था और इस प्लान में मकाउले धीरे धीरे कामयाब हो गया। वो इस एजुकेशन सिस्टम से ऐसे लोगों को तैयार करता था जो होते तो इंडियंस थे मगर वो अकल से अंग्रेज थे, जो अंग्रेजों की ही मदद करते थे इंडियंस को गुलाम बनाने में। वो अंग्रेजों के सारे ऑर्डर फॉलो करते थे बिना कुछ सोचे और समझे, और इस तरह इन लोगों की वजह से क्रिएट हुआ हमारा ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिसके बारे में चैप्टर 1 में बताया गया था। अब इतना सब कुछ जानने के बाद अब तक आपको उस सवाल का जवाब मिल ही गया होगा, इज एजुकेशन ए स्कैम? नहीं, इसका आंसर है बिग नो। एजुकेशन स्कैम नहीं है, बल्कि एजुकेशन के बिना किसी का ग्रोथ ही नहीं हो सकता। रियल एजुकेशन की बात हो रही है, पर सिर्फ इस एजुकेशन सिस्टम पर फुल्ली डिपेंड रहकर अगर आप एजुकेशन हासिल करते हो तब तो चांसेस है कि आपके साथ स्कैम हो सकता है इन कोचिंग और कॉलेजेस वालों के द्वारा। अगर कॉलेज की तरफ से बड़े बड़े झूठे ख्वाब दिखाए जा रहे हो आपको कि हमारे यहाँ से पढ़कर आप ये कर लोगे वो कर लोगे, लाइफ सेट हो जाएगी, और इसके बदले में मोटा फीस वसूला जा रहा हो, तब तो चांसेस है कि आपके साथ स्कैम हो सकता है इन कॉलेजेस वालों के द्वारा। एजुकेशन नहीं है प्रॉब्लम, लोगों की जो पुअर मेंटालिटी है वो है प्रॉब्लम जो कि इस सिस्टम ने बनाया है। तो आखिर क्या है इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन? अंग्रेजों को तो जो करना था वो करके चले गए, अब आप, हम, सरकार ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाया जा सके? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कदम उठा सकती है, दूसरा कि आप क्या कर सकते हैं, तीसरा पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। अगर ब्रिटिशर्स दिमाग लगाकर एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं? सबसे पहले तो जो स्कूल में आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है और सभी को सेम ही सिलेबस पढ़ाया जाता है, इसे अपडेट करने की जरूरत है। अलग अलग स्टूडेंट्स के IQ, स्किल्स, पैशन, इंटरेस्ट, टैलेंट, एबिलिटीज एंड उसके करियर एस्पिरेशंस को समझकर उसके हिसाब से अलग अलग सेट्स ऑफ सिलेबस, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग टीचिंग मेथड्स को लाने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम लाने की जरूरत है। प्रैक्टिकल नॉलेज देने की जरूरत है जिसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया जा सके। हर स्कूल में स्पोर्ट्स कंपलसरी होना चाहिए ताकि अगर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सके। एक करियर काउंसलर अपॉइंट करना चाहिए जो हर एक स्टूडेंट को उसके पैशन और इंटरेस्ट को समझकर उससे रिलेटेड अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में बताए। आज जमाना काफी तेजी से बदलता जा रहा है, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। इंडिया में गांव में रहने वाले लोगों की आबादी ज्यादा है जो कि लगभग 65% है, पर वहां के लोगों को ये तक पता नहीं होता कि AI होता क्या है। इसलिए हर सरकारी से लेकर प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में आज के जमाने के हिसाब से नए नए टेक्निकल स्किल्स को सिखाने की जरूरत है, जैसे डाटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, एड्स मैनेजमेंट, वीडियो एडिटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड मेनी मोर। वैसे 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसका नाम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके भी इम्प्लीमेंट होने से काफी कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ये पूरे देश भर में कब इम्प्लीमेंट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, और अगर इम्प्लीमेंट होगी भी तो इसमें काफी समय लग जाएगा पूरे देश भर में लाने में। आप में से कुछ लोग शायद इस वीडियो को गलत वे में ले सकते हैं कि इसका मतलब पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ देना है। नहीं,
मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दो, मैं ये कह रहा कि सिर्फ इस करंट एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट रहकर अगर पढ़ाई करते हो और इसके अलावा कुछ नहीं करते हो तो आप काफी पीछे रह जाओगे इस करंट टेक्नोलॉजी की दुनिया में। गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करे या ना करे, आप तो अपने में चेंजेस कर सकते हो। आप अपने पैशन को समझो, अपने इंटरेस्ट को समझो और उस पर काम करो, और खुद से तो वो टेक्निकल स्किल्स सीख ही सकते हो जो अभी आपको बताया है। अब आप कहोगे इसमें भी बहुत पैसे लगेंगे, नए नए स्किल्स सीखने में काफी खर्चा लगेगा। नहीं मेरे दोस्त, पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे कोई भी स्किल्स को सीखने के लिए। आजकल जो सीखना चाहो वो इंटरनेट से बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। और अगर आप कहते हो कि मुझे अपना कुछ नहीं करना है, जॉब ही करना है, कुछ नहीं सीखना है, तो ये जान लो कि आजकल ऐसे ओबीडियंट वर्कर्स की भी बहुत कम डिमांड है जो टाइम पर आए, टाइम पर जाए और सिर्फ डायरेक्शन ही फॉलो करे। आजकल कंपनी को भी सेल्फ डायरेक्टेड वर्कर की ज्यादा डिमांड है जिनमें ये सारी स्किल्स हो कि वो नई सिचुएशन को अडाप्ट कर सके, चीजों को जल्दी सीख सके, क्रिटिकल सोच सके, प्रॉब्लम सोल्व कर सके और नई नई चीजें क्रिएट कर सके। इसलिए इन सारे स्किल्स को आपको खुद से डेवलप करने की जरूरत है। सबसे पहले पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि बच्चे के पैदा होते ही या पैदा होने से पहले ही पूरा प्लान बना लेते हैं कि मैं तो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। ये गलती नहीं करना है। दूसरा ये गलती करते हैं कि इतने मार्क्स लाओगे तो ये गिफ्ट दूंगा, टॉप करोगे तो वो गिफ्ट दूंगा। और इन्हीं मार्क्स को लाने के लिए बच्चे दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं। जो भी उनका फ्री टाइम है, उनकी हॉबीज हैं, खेलना कूदना है, वो सब भूल जाते हैं, बस पढ़ाई लिखाई करते रहो दिन भर। आपको गिफ्ट देना है तो दीजिए, लेकिन सिर्फ मार्क्स के बेस पर मत दीजिए, उसके एबिलिटी के बेस पर दीजिए। अदरवाइज बच्चा सिर्फ मार्क्स लाने के पीछे पागल रहेगा और सिर्फ किताबी दुनिया जी पाएगा और कुछ कर ही नहीं पाएगा। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें, लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे नहीं बैठे कि स्कूल में सब कुछ सिखा दिया जाएगा जो लाइफ जीने के लिए चाहिए। आप हो सके तो होम स्कूलिंग पर ज्यादा ध्यान दें, उसके पैशन और उसके इंटरेस्ट को समझने में उसकी मदद करें और उसके करियर का डिसीजन उसे खुद लेने दें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो का पूरा काम मैंने मोबाइल से ही किया है और अकेला ही किया है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक हुई हो, तो प्लीज आप उसे कमेंट में बताएं ताकि उसे सुधारा जा सके और वो मिस्टेक दोबारा नहीं हो पाए। तो अगर आपको ये मेरा काम अच्छा लगा हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल से जुड़कर और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। जिसे इस वीडियो की नीड हो उसे जरूर शेयर करें। तो अगेन यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।